साथियों आज की वीडियो में वो सारे कमेंट ले लेते हैं जो आज के महत्वपूर्ण कमेंट हैं। तो जिन किसान साथियों ने कमेंट किया है वो जरूर अपने अपने कमेंट का जवाब सुन लें। यहाँ पर संदीप चौधरी जी हैं, ये कह रहे हैं कि धान की जड़ों में गांठ आ गई है और ये निमोटोड जैसा लग रहा है, तो इसका कोई देसी इलाज बताएं। धान वनस्पति 30 नंबर है, कल ही रोपाई की है 20/7/2023 को। तो सर गांठ आने का एक कारण तो ये हो सकता है कि वो पौध आपकी ज़्यादा लेट हो गई हो, मतलब 30 दिन से ज़्यादा की भी पौध हो सकती है जिसकी वजह से इसमें गांठ बन जाती है। अगर ये कारण नहीं है तो इसमें बकानी हो सकती है, तो बकानी का आप यहाँ पर ज़रूर इंतजाम करके चलें। आप यहाँ पर फिप्रोनिल लगभग 250 ml ले लें एक एकड़ ज़मीन के लिए और उसका स्प्रे आप जल्दी से कर दें, या फिर 1 kg/acre यानी 6 kg/acre के हिसाब से आप यहाँ पर रिजेंट मिला के अपने खेत में बुरकाव ज़रूर कर दें और ये पहली डोज के साथ ही लगा दें, तो आपको ये शिकायत ना देखने को मिलेगी और इसमें समाधान हो जाएगा। अजय त्यागी जी कह रहे हैं कि सर आप COC की डोज 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से बताते हैं और शॉपकीपर 500 ग्राम बताते हैं, तो सही डोज क्या है? वैसे मैंने तो आपके अकॉर्डिंग डोज ली है 250 COC और 100 ml वैलिडामाइसिन। सर आपने सही किया है, 250 ग्राम जो है वो सही डोज है और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धान की फसल में इतनी ज़्यादा हैवी फंगस नहीं आती है और ये जो फंगस है ये 250 ग्राम COC से कंट्रोल हो जाती है। और मैं तो बात करता हूँ आलू की खेती में भी इतने हैवी फंगस आती है, वो भी 250 ग्राम से कंट्रोल हो जाती है, हमें इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लगाने के लिए तो आप 1 kg लगा दो, वो भी कम पड़ जाएगा। तो अंकित सोम जी कह रहे हैं यहाँ पर अगली कमेंट में, सर जी आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो, सर आप एक बार पूरे गन्ने के शेड्यूल के वीडियो बनाइए। सर गन्ने के शेड्यूल के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन उसमें मैं अलग अलग वीडियो आपको ज़रूर दूंगा जिसमें पौधा पेड़ी और नवंबर में जो बुवाई होती है, नवंबर वाली जो पौधा गन्ना है उसके बारे में ज़रूर आपको अलग अलग वीडियोस दूंगा। और यहाँ पर एन्जॉय ब्यूटी ऑल वर्ल्ड कह रहे हैं भाई साहब बहुत खूब, थैंक यू सर, थैंक यू, आपके कमेंट का रिप्लाई मिल गया आपको। गौरव चौधरी जी कह रहे हैं सर एक बार पूरे शेड्यूल का वीडियो बनाइए, कितना डालना है और कौन कौन सी चीज़ें डालें। सर किस फसल के बारे में आप बता रहे हैं एक बार मुझे ये ज़रूर बताएं, तो एक शेड्यूल बना लेंगे अलग अलग से। और यहाँ पर लॉ हेल्प लाइट जी कह रहे हैं क्या 052434 गन्ने में यूज़ कर सकते हैं, इसकी और पानी की मात्रा कितनी रखनी चाहिए? तो 052434 सर आप गन्ने में अगर यूज़ कर रहे हैं तो इससे बेटर तो ये है ना कि आप यहाँ पर 19-19 ले लें, क्योंकि यहाँ पर अब जो स्थिति है उसमें 52 का काम ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास, इन तीनों में से अगर यहाँ पर फास्फोरस आप नहीं डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन और पोटास की ज़रूरत है, आप वो लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 kg का पैकेट ले लें स्प्रे के माध्यम से और उसमें 150 से 200 लीटर पानी मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर चौधरी दोस्त मोहम्मद जोशी जसोई ये कह रहे हैं सर जी सरसों की खली और यूरिया गन्ने में 1 acre में कितना डालना चाहिए? सर ये आप यहाँ पर सरसों की खली ले सकते हैं 12 से 15 kg और यहाँ यूरिया आप 35 kg ले लें, वही काफ़ी होगा। छोटे भाई क्या सुहागे को भूनना पड़ेगा? नहीं आपको इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जैसे ही लेकर आएंगे उसे थोड़ा सा हल्का सा पीट दीजिए, वो उसी से खिल जाता है और बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। सुरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि ह्यूमिक एसिड को जिंक सल्फेट में मिला सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आप मिला के दे सकते हैं, ये ह्यूमिक एसिड एक ऐसा बूस्टर है, इसे आप किसी के साथ भी मिला के लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। सचिन जी दिल से SSK सर नमस्ते सर, मैंने आपकी मेंबरशिप ली है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। हाँ मेंबरशिप में व्हाट्सअप नंबर का ऑप्शन है, आपने मेंबरशिप ली, पहले मेंबर बने आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर हरिराम वर्मा जी बहुत खुशी हुई बेटा आपके उत्तर सुनकर, शाबाश, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट सुन के। लेकिन यह पिछले कम से कम 6 से 7 सालों में समाज में से किसी बंदे ने आज पहली बार कहा है कि हाँ बहुत अच्छा लगा कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो। और हरिराम वर्मा जी का दूसरा कमेंट है, अच्छा इन्होंने आप दूसरे कमेंट का रिप्लाई किया है, थैंक यू सर, इस टाइप से आप सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएंगी चीज़ें और हम सब मिलके काम करेंगे तो और अच्छा लगेगा। और भीम चौधरी जी कह रहे हैं भाई जी गन्ना
पेड़ी में पोका बोइंग आ रहा है, क्या करें? तो भीम भाई, यहाँ पर आप पोका बोइंग के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें, COC 250 ग्राम ले लें और उसके साथ में वैलिडामाइसिन मिला के स्प्रे कर दें। तो एक तो पोका बोइंग आने से जो आपका नुकसान हुआ है उसमें फुटाव चल देगा ऊपर पौधे में, आपका यानी वजन कम नहीं होगा, और दूसरा पोका बोइंग यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ये बात पक्की है। सुखविंदर सिंह जी कह रहे हैं वेरी नाइस, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। सूरज शर्मा जी, कमेंट का आंसर करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू जी। नरेश ठाकुर जी, रियली यू हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज, थैंक यू सर, बस ये है कि आप सबकी दुआएं हैं। और सूरज शर्मा जी कह रहे हैं सर क्या इंसेक्टिसाइड के साथ 18 लीटर की टंकी में एक शैम्पू पाउच डाल सकते हैं? हाँ आप डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। और चमन सिंह जी कह रहे हैं सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर देने की कृपा करें। सर मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा आपको, बस जल्दी से कुछ ही टाइम में ये सभी को कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, बशर्ते कि अभी थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है इस वजह से मैं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि आपको रिप्लाई अच्छे ना मिलें उससे फिर मुझे कोई ज़्यादा खुशी नहीं होगी और आप भी यहाँ पर संतुष्ट नहीं होंगे। और सूरज शर्मा जी का एक अलग कमेंट है, सर मोटे धान पर PR वेराइटी के लिए एक खाद और दवा का फुल शेड्यूल बताएं। सर मोटे धान के लिए ठीक है सर, बिल्कुल बताते हैं, इसकी अब उपज भी ज़्यादा हो रही है, बुवाई भी ज़्यादा अच्छी है, तो इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अंकुर सिहाग जी कह रहे हैं क्या रीजेंट को नीचे भी डाल सकते हैं? हाँ आप डाल सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, आप किसी भी फसल में नीचे रीजेंट की बुवाई कर सकते हैं। और नीरज कुमार जी कह रहे हैं सर गन्ने के लिए सबसे बेस्ट PGR बताएं। सर बेस्ट PGR के लिए आज करीब करीब 1 बजे के समथिंग वीडियो आएगा और उसमें आप ज़रूर वो वीडियो देखें, PGR के बारे में मैं काफ़ी अच्छे वहाँ पर एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ, तो इसी वजह से ये कल भी वीडियो नहीं आ पाया है, आज आएगा करीब 1 बजे के आसपास, तो आप ज़रूर देखें। अमित कुमार जी कह रहे हैं सर जी मोबाइल नंबर भी मिल सकता है क्या? सर मैं जल्दी ही आपको मोबाइल नंबर दूंगा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। गौरव सागमान जी कह रहे हैं धान के पत्ते लाल हो जाना कौन सा रोग है? तो देखो सर धान के पत्ते लाल होने के कई रोग हो सकते हैं, फंगस हो सकती है, सबसे ज़्यादा तो फंगस का अटैक हो सकता है, तो उससे बचने के लिए आप यहाँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें 250 ml और उसके साथ में आप वैलिडामाइसिन मिला लें, और इसमें 100 ml वैलिडामाइसिन मिला के आप स्प्रे कर दें और 1 एकड़ ज़मीन के लिए करीब 150 से 180 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दें, जल्दी से ये पत्तों का रोग ख़त्म हो जाएगा और जो आपकी गोब का पत्ता है वो स्वस्थ निकलने लगेगा, कुछ ही टाइम में आपको ये पत्ते इस टाइप से दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर हरविंदर जी का कमेंट है सर मैंने 2 किले में तो आपने बताया था चूना नीला थोता और इसके साथ में ह्यूमिक एसिड चला दिया है पानी के साथ में, अगले किले में क्या नीला थोता ह्यूमिक एसिड और कैल्शियम नाइट्रेट आती है जो दानेदार है उसका घोल बना के उसका पानी का भी यूज़ कर सकता हूँ क्या चूने की जगह पर? हाँ सर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कैल्शियम नाइट्रेट नहीं ख़रीदा है तो मैं आपको एक बहुत सस्ता जुगाड़ बताता हूँ यहाँ पर कि कैल्शियम नाइट्रेट में आप जो चूना मिला रहे हैं चूने के साथ में आप 6 किलोग्राम यूरिया और डाल दें, तो इससे क्या है कि ये कैल्शियम चूने का काम करेगा और जो यूरिया खाद है वो नाइट्रोजन के रूप में जाएगा, तो ये नाइट्रेट बनके ही आपके पौधे को मिलेगा, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये कैल्शियम नाइट्रेट जो आता है वो चूना और यूरिया का ही कॉम्बिनेशन है, उसमें आपका लगभग 18% के समथिंग कैल्शियम होता है और समथिंग 15% के आसपास नाइट्रोजन होता है, तो ये दोनों मिलके ही आपको कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं। अगर आप इसको मिलाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मिला दीजिए, लेकिन इसमें जो नीला थोता है नीला थोता का घोल अलग बना लें और जब आप इसे ड्रम में डालें तो उस टाइम पे मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो इस टाइप से आप चला दें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला कमेंट है यहाँ पर सुधीर यादव जी का, ये बड़े पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सर, बहुत सुंदर जानकारी सर, मुफ्तीगंज जौनपुर से। और एस के तिवारी जी 1234 सर गन्ने में डालें तो कोई नुकसान तो नहीं है नीला थोता? हाँ नीला थोता डालने से कोई नुकसान नहीं है, आप इसे खाद के साथ में मिला के बुरकाव कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। क्या नीला थोता फिटकरी चूने का 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं? कितने दिन बाद करें? सर आप नीला थोता का तो 2 बार इस्तेमाल कर लें, लेकिन फिटकरी को बार बार ना डालें, फिटकरी 1 बार यूज़ कर लें धान की फसल में, वही काफ़ी है क्योंकि वही मिट्टी के pH को बैलेंस करने के लिए सफिशियंट रहती है। और सर यहाँ पर जाट भाई जी कह रहे हैं इस बार वर्टिकल गन्ने विधि के बारे में भी बताना,
सुना है ये अच्छी विधि है। तो वर्टिकल फार्मिंग के बारे में ठीक है एक वीडियो बनाएंगे इस पर, और आने वाले समय में जैसे थोड़ा सा किसान साथियों के बीच में चर्चा बढ़ती है इसकी तो ज़रूर बनाते हैं। मोहम्मद साहिद जी कह रहे हैं वीको कीटनाशक कैसा वर्क करता है। सर मैं वीको कीटनाशक के साल्ट आप यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च कर लूँ और उसके बाद में मैं आपको कमेंट में मैसेज कर देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। डॉक्टर आयुर्वेदिक राजकुमार जी कह रहे हैं कि सर मेरा गन्ने के खेत में फंगस और गन्ना में पोका बोइंग बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, फंगस और पोका बोइंग बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, पौधे ग्रोथ भी नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ भी नहीं कर रहे हैं। मैंने भी नीला तोता और सुहागे का स्प्रे किया है पानी के साथ में, क्या लगाएं जिससे जल्दी से रिजल्ट मिल जाएं। अच्छा सर इसमें फंगस है और पोका बोइंग है, तो आप यहाँ पर बहुत जल्दी से अगर पानी के साथ लगाना चाहते हैं तो 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें। 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को आप यहाँ पर पानी के साथ में घोल बना के और नीचे चला दें। अगर स्प्रे के माध्यम से यूज़ करें तो 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर दें, उसके साथ में वैलिडामाइसिन 100 ml मिलाकर आप स्प्रे कर दें। एक एकड़ ज़मीन में आपकी फंगस भी ख़त्म हो जाएगी और पोका बोइंग रोग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये गारंटेड इलाज है इसका। और सर यहाँ पर अगला कमेंट है अजय त्यागी जी का, ये कह रहे हैं सर जी जिस पेड़ी गन्ना में मैंने 0050, अच्छा ये कमेंट इन्होंने डिलीट कर दिया है, कोई नया कमेंट होगा। हरविंदर जी कह रहे हैं कि सर नीला तोता प्लस कैल्शियम नाइट्रेट ह्यूमिक एसिड गन्ने में पानी के साथ दे सकते हैं। हाँ सर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आप नीला तोता को अलग घोल बना लें और अलग घोल बना के आप दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। घोल बना के पानी जब चलाएं तो उस टाइम पर एक साथ मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जसवीर सिंह कह रहे हैं नीला तोता भिगोए हुए 40 घंटे हो गए, क्या उसकी स्प्रे की जा सकती है। हाँ सर स्प्रे कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह कि जो मात्रा है उसकी उसका ध्यान रखें, 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ही पानी लें, वो नीला तोता का घोल लें, और इसको जब आप यूज़ करें तो मात्र 150 ग्राम समथिंग एक एकड़ में यूज़ होना चाहिए, वरना फिर ये स्पॉट दे देता है गन्ने में, दिक्कत आती है। और बृंदा पाल जी कह रहे हैं कि गन्ने में IAA ऑक्सिन हार्मोन का उपयोग कर सकते हैं क्या। सर आज हार्मोन के बारे में मैं करीब 1 बजे के आसपास वीडियो आ रहा है तो उसमें काफ़ी अच्छी जानकारी मैं लेकर आ रहा हूँ, तो आप ज़रूर देख लीजिए वो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसमें मैं मेंशन भी कर दूंगा कि इस हार्मोन का क्या काम है और ये कैसे यूज किया जा सकता है। मंजीत जाट कह रहे हैं कि 1847 वैरायटी है, 20 दिन की हो चुकी है, बकानी को अब कैसे रोकें। बकांदी को रोकने के लिए आप 250 ml यहाँ पर पिप्रोनिल ले सकते हैं और उसका स्प्रे आप कर दें एक एकड़ ज़मीन में लगभग 150 से 180 लीटर पानी के साथ मिला के, आपके बकांदी में रोकथाम हो जाएगी जल्दी से। मंजीत जाट जी का दूसरा यहाँ पर कमेंट है इनका, 1847 वैरायटी है, 20 दिन की हो गई है, बकानी के लिए फिप्रोनिल 5% लें, 40% लें या 80% लें, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो सर यदि आपकी परचेजिंग पावर है 40% 80% खरीदने की, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप 40% वाला ले लें, उससे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि 40% फिप्रोनिल के साथ में आपको 40% इमीडा मिल जाएगा और उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। ये आपकी बकांदी के साथ साथ जो हल्की सूढ़ी आ रही होगी खेत में कहीं कहीं उसको भी ख़त्म कर देगा, और ये समथिंग 700 से 800 रुपये प्रति एकड़ की दवा पड़ेगी, तो आप इसका उपयोग कर लें तो और बढ़िया रहेगा, इससे बकांदी भी नियंत्रित हो जाएगी आपकी। दूसरा यहाँ पर चौधरी दीपक पनवार, सर गन्ने के खेत में बाढ़ का पानी भरने से पौधे गलकर सूख रहे हैं, इसका उपाय बताएं। सर देखो बाढ़ आई है उसका आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसका बहुत बिल्कुल अफसोस है इस बात के लिए, और भगवान से यही प्रार्थना है कि वो आपको इस चीज़ को सहन करने की शक्ति दें और मतलब आगे आपकी ग्रोथ करें, तरक्की करें। और यहाँ पर आपके सवाल का जवाब ये है कि आप यहाँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें 250 ग्राम और उसके साथ में वैलिडामाइसिन मिलाएं, आप उसका स्प्रे करें तो ये आपको एक तो सस्ता पड़ जाएगा और इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, जो गलन हो रही है वो गलन नहीं होगी और पौधे में फुटाव आ जाएगा। दूसरा
दूसरा यहाँ पर एक साल्ट मैं आपको बता ये देता हूँ कि इसके साथ में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कासुका माइसिन का एक कॉम्बिनेशन आता है जिसे हम कॉनिका के नाम से जानते हैं। अगर आप 1200-1400 रुपये यहाँ खर्च कर सकते हैं एकड़ के हिसाब से, तो आप वहाँ पर वो डोज लेकर आप उसका स्प्रे कर देंगे तो पौधे में फुटाव बहुत ज़्यादा आएगा। और अगर पौधा गल भी गया है ऊपर से और अगर नीचे थोड़ी बहुत भी जड़ उसकी ज़िंदा है तो उसमें फुटाव आ जाएगा। तो आप ये दोनों टाइप से जो आपको सही लगे आप वो कर लेना, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और आपके साथ में बिल्कुल हैं हम खड़े हुए, किसी भी टाइप की अगर कोई कमेंट हो या कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और केपी तोमर जी कह रहे हैं कि हरजीत भाई राम राम जी, राम राम साहब, और ये सूखा चूना एक एकड़ में कितना डालना चाहिए या कितना डाल सकते हैं? तो सर आप सूखा चूना यहाँ पर अगर डालना चाहते हैं तो 2 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से यानी 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ डाल दें, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें। क्योंकि ये बेशक इसकी डोज हल्की हल्की दो बार में लगा दें, लेकिन एक बार में आप इससे ज़्यादा यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इसको लगभग 12 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दें, बढ़िया रहेगा। तो सर ये सभी कमेंट थे आज के, और फिर भी अगर कोई कमेंट रह गया हो तो उसके लिए आप मुझे दोबारा से एक बारी पिन कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। और आशा करता हूँ आपको यह सभी जानकारी मिल चुकी होगी, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। और साथियों अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।